facility is not so regarding is progress and work and time part 3 and today we'll be concluding this topic work and time. वेल अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क एंड टाइम में कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से रिलेटिवली इजी ही रहते हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, तो आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स प्लस एक ग्रुप वर्क वाला कॉन्सेप्ट है. बट उससे पहले जैक नोटिफिकेशन आ गया है, 10th of August को आया है, आज है 14th of August, तो जैक भी आप अपियर कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन. वाई जैक इज इंपॉर्टेंट, मल्टीपल रीजन है इंपॉर्टेंट होने के लिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ. जैट नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग अप्लाई कर लीजिए उसके लिए. ठीक है, दोज ऑफ यू हुआ टारगेटिंग कैट 2021, तो जैट 2022 के लिए अप्लाई करना. ठीक है, 10th of August ये नोटिफिकेशन डेट एंड 30th November इस टाइम तक आपका आप एनरोल कर सकते हैं. और एग्जाम जो है दैट वुड बी कंडक्टेड ऑन 2nd of January. 2nd of January को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है. ठीक है, तो जैसे ही न्यू ईयर बैशिंग खत्म होगी आप लोगों को जैट का एग्जाम देना, तो दैट्स अ गुड आइडिया. सो एग्जाम 2nd of January का है, देख लेना जरूर. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है जैट का एग्जामिनेशन, बहुत सारे रीजंस की वजह से. सबसे पहले तो इसमें XLRI इसका जो प्रोग्राम होता है, तीन प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है HR का प्रोग्राम, एक बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम, इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं. एक जनरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किसी अच्छी कंपनी में. इसमें आप GRE या GMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खैर एक्सपीरियंस तो 5 साल का एक्सपीरियंस तो किसी को होगा नहीं आई गेस. तो HR और बिजनेस मैनेजमेंट, तो बेसिकली ये जो HR मैनेजमेंट का प्रोग्राम है सबसे फेमस प्रोग्राम है, और ये बेसिकली नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे एशिया में, ऑल ओवर एशिया, दिस इज द बेस्ट HR मैनेजमेंट प्रोग्राम. इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ. इसमें अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन अगर नहीं हुआ ना, तो ये सीट्स खाली रखना पसंद करते हैं. बेसिकली यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली वेरी वेरी साउंड, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी. तो ये तो हो गया आपका XLRI जमशेदपुर का. इसके अलावा जैट एसोसिएट्स भी हैं. 12 जैट एसोसिएट्स हैं. जैट एसोसिएट्स मतलब जेवियर्स एसोसिएट जिसको बोलते हैं, जैमी कॉलेज बोलते हैं, जेवियर्स एप्टीट्यूड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन. तो ये 12 जैट एसोसिएट है, जिसमें XIM भुवनेश्वर, कोई भुवनेश्वर से है तो उनके लिए अलग से कोटा रहता है बेसिकली ओडिशा के डोमिसाइल वालों के लिए. XISS सोशल सर्विसेज में अच्छा करना चाह रहे हैं, XIME बेंगलोर में, ये भी एक अच्छा कॉलेज है. इस तरीके से 12 कॉलेजेस हैं, इस तरीके से 12 टोटल कॉलेजेस हैं ये जैट के थ्रू कंसिडर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस 12 कॉलेजेस 86 कॉलेजेस और भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9800 कॉलेजेस हैं. तो इट इज एट गुज एट कैट, मतलब कैट के जैसा ही है. मतलब कैट में कितने 150 कॉलेज होंगे और ठीक है, एक बार देख लेना कितने कॉलेजेस. तो इसमें 100 कॉलेजेस हैं और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस, जैसे कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, TAPMI तापमी हो गया, फोर करके एक दिल्ली में कॉलेज है. अपार्ट फ्रॉम दैट वेलिंकर भी है, ये कैट के थ्रू भी लेते हैं, वेलिंकर कैट के थ्रू भी लेते हैं. KJ सुमैया हो गया, ये सारे कॉलेजेस, KJ सुमैया हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस माइका करके भी एक कॉलेज है, माइका है. इसके लिए आपको एडिशनल एग्जाम भी देना पड़ेगा, क्वालिफाइंग स्कोर जैट का होगा. माइकैट करके एक अलग से एग्जाम होता है, खैर वो भी है. राइट, IMT गाजियाबाद करके भी एक अच्छा कॉलेज है. तो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस भी आप टारगेट कर सकते हैं. राइट, बट यू शुड टारगेट दिस. राइट, तो ये है ओवरऑल आइडिया जैट के बारे में, जरूर फिलअप करना चाहिए. ठीक है, जैट के लिए आप लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, कर लीजिएगा. ठीक है भाई, मिस मत करना ये कॉलेज. अच्छा, सर एक एनमेट के फॉर्म के लिए ना डाउट था, उसने 5 प्रेफरेंस मांगा कॉलेज के. तो यस सर, प्रेफरेंस मांगा है कॉलेजेस के. यस सर. अच्छा, तो 3 तो मिल गए हैं, तो मतलब वो उसके क्या फिर से फॉर्म भरेंगे अलग से कि देखिए एनमेट का एग्जाम दोगे ना अगर आप, तो NMIMS के लिए अप्लाई हो जाता है. बाकी कॉलेजेस के लिए अगर आप चाहते हो कि कॉल आए तो उनका फॉर्म्स भरना पड़ेगा. ठीक है,
एनमेट तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉलेज जो आप टारगेट कर रहे हो उससे अगर आप चाहते हो कि कॉल आए तो आपको उसके लिए अलग से फॉर्म उसका फिलअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा एग्जाम दिया और कोई भी कॉलेज में हो जाएगा, ये सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी में होता है। महाराष्ट्र सीईटी करके एग्जाम होता है, इसमें बस होता है कि आपने एक ही एग्जाम दिया, बाकी सारे कॉलेजेस में आपको काउंसलिंग, जनरल काउंसलिंग के बेसिस पे दिया जाता है। एनमेट में सिर्फ नर्सिंग मुंजी एनएमआईएमएस के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा, मेरे को एनएमआईएमएस के लिए भी अलग से अप्लाई करना पड़ रहा है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। एनमेट देने से एनएमआईएमएस के लिए अप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे कॉलेजेस अगर आप लोग चाहते हैं कि अप्लाई आपको कॉल करे तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कैट। कैट का एग्जाम दोगे तो फिर जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे से कॉल आ सकता है, राइट, प्रोवाइडेड यू अप्लाइड फॉर दैट इन दी कैट फॉर्म। बाकी कॉलेजेस के लिए फॉर एग्जांपल जिम या फिर तापमी या फिर फोर कैट में बता रहा हूँ, या फिर एसपीजेन या फिर एमडीआई, उस उन कॉलेजेस से कॉल चाहते हो अगर आप, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है अलग से, लास्ट डेट चेक करना पड़ेगा, वो मैं आपको अपडेट रखूंगा, डोंट वरी। हर एक अलग कॉलेजेस के भी जो और आप अपने टाइम की वेबसाइट में भी जाइए, वहां पर भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। टाइम इंस्टीट्यूट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाइए, वहां पर आपको सारा नोटिफिकेशन एक बार चेक करते रहिए, मेरे से पूछ लेना कि कौन सा भरना है कौन सा नहीं भरना है। ऑलराइट, अच्छा, टेस्ट सीरीज को थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि फिर पैसा वेस्ट होता है एक्चुअली। टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस जिस तरीके से आता है उसी तरीके से अपन कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं, तो उससे मिनिमाइज हो जाता है आपका जो एक्सपेंसेस है। क्लियर है? तो ये जैट का एग्जाम है, तीन कॉलेजेस मिल गए आपको, दो कॉलेजेस बचे हुए वो कौन से, मतलब तीन कॉलेजेस कौन कौन से फिलअप किया आपने? सर एक एनएमआईएमएस और ठीक है, और चेजी सुमैया और एक एक्सेलराइजर क्या है, एक्सेलराइज ये क्या जेड के थ्रू ले रहा है? एक्सेलराइज कैसे जेड के थ्रू लेगा, सॉरी एनमैट के थ्रू थोड़ी ना लेगा ये, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अब इसके अलावा दो कॉलेजेस हैं, मेरे को लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, एक बार मैं लिस्ट चेक कर लेता हूँ, आप क्या सोचे वो बता दो, उसमें से भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ आपने कौन कौन से टारगेट दो और रेस्ट ऑफ द कॉलेज कौन कौन से सोच रहे हो आप, वो बता दो, मैं बता दूंगा अच्छा है कि नहीं है। ये तीनों तो अच्छे हैं। हाँ बोलिए सर। और एक बकोनी करके है या फिर एक आईएमएफआर करके है चेन्नई वाला, आईएफएमआर, ठीक है, आईएफएमआर चेन्नई वाला ना, वो ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आईएफएमआर रख सकते हो, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। आईएसबी हैदराबाद, एक फाइव बिजनेस स्कूल, आईबीएस होगा सर, एक आईबीएस है और एक आईएसबी भी है। आईएसबी का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा, आईएसबी बेसिकली तो जो जीमैट के थ्रू लेता है एक्चुअली, वो कैट के थ्रू लेता भी नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम होगा आईएसबी का, मैं एक बार देख लेता हूँ, लिस्ट चेक कर लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप आईएफएमआर रख सकते हो ऑप्शन में, अच्छा कॉलेज ये लग रहा है। आईबीएस इकफाई बिजनेस स्कूल में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। आईएसबी का कौन सा प्रोग्राम है वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, अच्छा कॉलेज है वैसे, ओके। तो और एक्सपीरियंस वालों को ही लेता है वो एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो एक बार इंडिविजुअली जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक से चालू होगी, बस इतना ही मेरे को बताया गया कि नेक्स्ट वीक से चालू होगी, डेट कंफर्म नहीं है बट नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगी, राइट। तो उस टाइम पे जब आप लोग आओगे तो मैं इंडिविजुअली सिस्टम वगैरह पे बैठ के देख लूंगा क्या करना क्या नहीं करना, अभी टाइम है, डोंट वरी, एकदम बिल्कुल हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, फोकस करेंगे पढ़ाई पे। जैट के बारे में थोड़ी बात और करेंगे अपन। जैट में क्या होता है, एक एडिशनल सेक्शन होता है, इनफैक्ट टू एडिशनल सेक्शन होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग करके होता है और एक होता है आपका जीके। अब जीके का जो है फाइनल रैंकिंग में या फिर परसेंटाइल कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता, डीएम का होता है, राइट। पिछले साल 21 क्वेश्चंस आए थे डीएम से, 7 केसलेट्स और हर एक केसलेट में 3 क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चंस पर केसलेट, तो वो इजी रहता है। एक महीने आपके पास समय बचे, उस टाइम पे भी अपन तैयारी कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा डिसीजन मेकिंग में, डोंट वरी अबाउट दैट।
जीके के लिए मैं आप लोगों को मेरे ख्याल से वेबसाइट में आपको काफी सारे इनपुट्स मिलते होंगे टाइम की वेबसाइट में, मैं आपको एडिशनल कुछ बता देता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है विजन आईएएस, ठीक है, विजन आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, इसकी वेबसाइट में जाना, इसमें मंथली मैगजीन निकलती है, मंथली मैगजीन बहुत ही अच्छी मैगजीन है, मंथली मैगजीन आपको पढ़िए, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। मंथली मैगजीन आपको मई जून से शुरू करना है, मई या जून से शुरू कर सकते हो आप, मई या जून से, उससे पहले नहीं, मई या जून से आप शुरू करें पढ़ना, और मई जून से कब तक, जब तक पूरा एग्जाम ना हो जाए दिसंबर तक, ये 6 महीने का आपको मंथली मैगजीन, 6 मैगजीन्स पढ़नी है, और एक एक मैगजीन को दो दो तीन तीन बार पढ़ लेना, बहुत ही स्टोरी वाला अप्रोच है, इसमें स्टोरी तरीके से जीके आप लोगों को क्लियर क्लैरिफाई होता है, और जैट का पास्ट पेपर देख लेना, उसमें किस टाइप के जीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आप देख सकते हो। वैसे जीके का मार्क काउंट तो होता नहीं परसेंटाइल कैलकुलेशन में, तो इतना फोकस मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल यू आर गिविंग टिसनेट करके एक एग्जाम होता है, टिसनेट करके एक एग्जाम होता है ये, अगर है ना, और एक सीमेट करके एग्जाम होता है, ये एग्जाम्स अपियर करना है तब तो जीके को थोड़ा सा सीरियस कंसिडरेशन दे सकते हैं अपन, अनलेस अदरवाइज मत दीजिए, राइट, रादर फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशंस, इंट्रोडक्शन वगैरह तैयार करके रखिए, राइट, प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान दे सकते हो आप लोग चाहो तो, एक एडिशनल कोर्स वगैरह ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, तो ये करना आपको, ठीक है। डीएम के जो क्वेश्चन आते हैं 21 स्कोरिंग होते हैं इसमें हर किसी का, मतलब मेरे स्टूडेंट्स का तो एटलीस्ट 95+ एटलीस्ट तो आ ही जाता है, 95+% आ जाता है। अच्छा, एक कॉज ऑफ कंसर्न भी बता देता हूँ, कंसर्न क्या रहता है, क्वेश्चन था, एक मिनट रुकिए, बताइए बताइए क्या क्वेश्चन है सर। मतलब मैंने भी पढ़ा था सर कि जैट में जैसे अपन कैट में क्वेश्चन स्किप करते हैं ना, हाँ, तो उसमें मार्क्स नहीं कटते, बट जैट में उसमें भी 0.5 मार्क्स कटते हैं। अरे नहीं, वो क्या चेंज होता रहता है, डिफरेंशियल मार्किंग स्कीम बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल मार्किंग स्कीम होता है। अब वो क्या होता है, अगर आपने स्किप करते हैं तो नहीं, उसमें लिखा रहता है, एक्चुअली ऐसा कुछ लिखा रहता है कि भाई शुरू के 2 क्वेश्चन गलत, मतलब 5 क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.2 मार्क्स कटेंगे, ठीक है, निगेटिव, और उसके बाद फिर अगले 5वें से 6वां क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 0.3 करेंगे, उसके बाद फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से डिफरेंशियल मार्किंग स्कीम होती है। बेसिकली ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब सिलेक्शन पे आप जोर लगाएं, सिलेक्शन सही करें क्वेश्चन का, राइट, पहला ये चाह रहे हैं, और दूसरा ये कि अच्छा स्किप करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, गलत करोगे तो एक लेवल तक 0.2, उसके बाद फिर 0.3, ये डिफरेंशियल मार्किंग स्कीम होती है। अच्छा, दूसरी चीज एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, कंसर्न इसका ये है, कंसर्न की बात कर रहे थे अपन, कंसर्न इसका ये है कि भाई ये टफ एग्जामिनेशन है, नॉर्मली इसको हम लोग टफ कंसिडर करते हैं, बट दैट्स रॉन्ग, ठीक है, गलत है, टफ है वो सभी के लिए टफ है। तो आप देखोगे इसमें मान लो 110 क्वेश्चन आते हैं, मान लो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं, 100, 110, 105, 107 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 110 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन सही बनाने हैं। मान करके चलिए कि डिसीजन मेकिंग में आप अभी मैं एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं डिस्कस करेंगे कभी अपन जैट के बारे में, अभी मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जैट ओवरऑल हो क्या रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा वगैरह के साथ मैं डिस्कस करूंगा बाद में कभी। अभी 30 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आपका आराम से 95+ percentile आ जाता है, और 30 क्वेश्चंस में 35 बना लिया तो समझ लेना कि खत्म है, मतलब एक्सएलआरआई से कॉल आ जाएगा। तो टफ है तो सभी के लिए टफ है, और इजी है तो सभी के लिए रिलेटिव टफ होता है, राइट, ठीक है। कट ऑफ नीचे जाता है इसका, आप देख सकते हैं 30% से भी कम इसका कट ऑफ जा रहा है। तो यही है, सिलेक्शन और एक्यूरेसी पे ध्यान रखो और बन जाएगा क्वेश्चन, राइट। क्वांट्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सुनते चलो आप ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा वेटेज अरिथमेटिक का ही रहता है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। अरिथमेटिक प्लस अगर आपने डीआई कर लिया, खत्म हो जाएगा ये, डीआई के 9 क्वेश्चन आते हैं, अरिथमेटिक के भी 9 क्वेश्चन 9 और 18 क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है, राइट, क्वांट और डीआई एक सेक्शन रहता है। अच्छा, दूसरी चीज, एक एलआर करके जो होता है इसका, ये वर्बल एबिलिटी के साथ रहता है, वर्बल एबिलिटी प्लस एलआर। एलआर में ये जो कैट में जो आप एलआर देखते हो, कौन सा एलआर देखते हो, कैट में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड मैट्रिक्स मैचिंग एंड सो ऑन, ये एलआर डरने की जरूरत नहीं, ये क्रिटिकल रीजनिंग होता है बेसिकली,
क्रिटिकल रीजनिंग मतलब स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, स्कोरिंग है, ठीक है। तो मान के चलो कि अपार्ट फ्रॉम डीएम जो कि एक महीने में हम लोग कर लेंगे, अपार्ट फ्रॉम सीआर क्रिटिकल रीजनिंग जो कि हम लोग एक महीने में कर ही लेंगे बचे हुए एक महीने में, डीएम और सीआर को छोड़ करके बाकी सारा कैट का ही तैयारी है, बाकी पूरा का पूरा कैट का ही तैयारी है, एलआर छोड़ देना कैट का, ठीक है। डीआई कर रहे हो वो रखो, क्वांट कर रहे हो वो रखो, लैंग्वेज रख रहे हो वो रखो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। व्हाट द आइडिया, ओवरऑल आइडिया आ गया भाई जेड के बारे में, बाकी आप लोग रिसर्च करके पता कर लेंगे, ठीक है। वेबसाइट में जाइए, पढ़िए और देखिए, समझिए, सीखिए, पास्ट पेपर डाउनलोड करिए और पैटर्न आइडेंटिफाई करिए। आई लीव इट अप टू यू। बाकी मैंने जो ओवरऑल जेड जो होता क्या है वो सारा बता दिया है, सभी को क्लियर है सर? इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता? हां, इसमें सेक्शनल कट ऑफ एक्सएलआरआई में होता है सेक्शनल कट ऑफ, बाकी किसी में नहीं, एक्सएलआरआई में सेक्शनल कट ऑफ होता है। हेलो सर, मैं एक और कॉलेज देख रहा था, फॉरेन ट्रेड। हां, आईआईएफटी। यस सर। हां, अच्छा कॉलेज है। अच्छा सर, तो उसके एग्जाम्स कब होंगे और उसके पैटर्न क्या है? उसका एग्जामिनेशन का आइडिया अभी मेरे को नहीं है, बट कैट के जस्ट बाद या जस्ट पहले होता है, कैट के एक हफ्ते पहले होता है, सबसे पहले आईएफटी ही होता है नॉर्मली, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया क्या, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। आईएफटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि दिल्ली और कोलकाता के लिए होता है, उसमें भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, एक्चुअली 5-6 सेक्शन होते हैं, और पांच होते हैं उसमें भी। हाँ, 5-6 सेक्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है, आगे पीछे होते रहते हैं। आईएफटी के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ, बाकी एग्जाम तो बहुत ही अच्छा है, चाहे कोलकाता कैंपस मिले चाहे आईएफटी दिल्ली कैंपस मिले, ठीक है। और चूंकि इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक है इसलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा सीवियर है, फॉरन ट्रेड के लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा सीवियर होता है, ठीक है। आईआईएफटी में पैटर्न जो है वो पिछले कई सालों से चेंज नहीं हुआ, एक ही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। उसका जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो जीके होता है, जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका कट ऑफ भी बहुत कम ही जाता है, मतलब करीब करीब 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक या कभी कभी 1.5 इतना मार्क्स जाता है आपका कट ऑफ, बहुत कम कट ऑफ होता है इसका। और इसमें सबसे चैलेंजिंग फीचर यही है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ेगा हर एक सेक्शन का, सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ निकालना पड़ेगा। बाकी एग्जाम तो बहुत ईजी है, मैथ्स भी ईजी होता है इसमें, रीजनिंग भी ईजी होता है, सब ट्रेडिशनल मैथ्स, ट्रेडिशनल रीजनिंग, ट्रेडिशनल मैथ्स, ट्रेडिशनल रीजनिंग, ट्रेडिशनल इंग्लिश, इंग्लिश ट्रेडिशनल का मतलब ग्रामर वोकैबुलरी ये सब पूछता है, तो ये एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। सर ये कितने आवर्स का होता है? कितना, दो घंटे का होता है गैस, एक बार कितने घंटे का होता है ये सब देखना पड़ेगा एक बार जब अपन, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर इसका देखे थे तो हमको बहुत लॉन्ग लगा था, तो सोच रहे थे कि इसलिए तो कट ऑफ कम जाता है। तो तुम इतना पर्सनली मत लिया करो एग्जाम को, है ना, सभी के लिए लॉन्ग है, अगर लॉन्ग है तो सभी के लिए लॉन्ग है ना भैया, तुम्हारे लिए स्पेशली थोड़ी ना लॉन्ग बना के भेजे वो लोग, ठीक है, ठीक है। एग्जाम देना चाहिए, ये है, बातें हम लोग करेंगे, और भी बातें तो हम लोग करेंगे। अब मैं ये सोचा हूँ कि एक नया चीज लेकर के आऊंगा, हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम्स कॉलेजेस वगैरह के बारे में आपको एक इनपुट देता चलूंगा। या आईएफटी का एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए, अगर आप अच्छे कॉलेज टारगेट कर रहे हो, टॉप 10 में आता है इंडिया में भी, टारगेट करना चाहिए, ठीक है। स्नैप, अभी स्नैप भी टारगेट करना चाहिए, आसान एग्जामिनेशन है, एक घंटे का हुआ था पिछली बार तो सिर्फ एक ही घंटे का टेस्ट हुआ था, ठीक है। चलो इसमें, इसके बारे में बाद अपन एक एक करके करेंगे, आज एक्सएलआरआई जेट के बारे में हम लोगों ने बात की, नोटिफिकेशन चेक करना, ठीक है, पैटर्न वगैरह चेक करना, बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा जेट के बारे में प्रॉपर, ठीक है ना, बोलोगे तो प्रेजेंटेशन के साथ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।